हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस तरीके का बाजू का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सिंपल तरीके से मैंने बाजू की कटिंग कर दी है और यहाँ पे मैं 1 इंच का मार्क करूँगी और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके कट कर लूँगी। अब इस कटे हुए टुकड़े को पेपर पे रख कर थोड़ा सा बढ़ा के पेपर को कट कर लेंगे और यहाँ पर आप अस्तर और फैब्रिक दोनों को जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। सिलाई करने के बाद इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ ऊपर सिलाई कर देंगे। और इसी तरीके से दोनों पीसेस की सिलाई कर लिया है मैंने। अब इस पेपर को इस तरीके से रखेंगे और 3x3 इंच का मैंने ये फैब्रिक कट कर लिया है। अब इसको इस तरीके से मोड़कर यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा किस तरीके से मैं फोल्ड करके इसको लगा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से दोनों साइड लगा लेंगे। अब इसको और अच्छे से डेकोरेट करने के लिए हम यहाँ पे लेस को लगाएंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, दोनों साइड लेस को लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने डोरी को सिलकर पहले ही पलट लिया था। अब यहाँ पे बीचों बीच सिलाई करेंगे इस तरीके से, एकदम से बीचों बीच सिलाई करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे डिजाइन बनाने के लिए मैंने रेडीमेड डोरी को इस तरीके से लिया है और यहाँ पे हम डिजाइन इस तरीके से बनाएंगे, आप देखते जाइए इस तरीके से घुमा घुमा कर डिज़ाइन को बनाना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अब स्टोरी में लटकन को लगाने के लिए हम बिल्कुल उसी तरीके से फोल्ड कर लटकन को लगाएंगे।